내가 너만 많은 지를 꺼내! हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवत अग्रवाल है और मैं आज आपको एक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस टूल के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा टूल है और बहुत से लोग इसके बारे में अनोन हैं। ये काफ़ी अच्छा ब्रश है और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो काम कर रहे हैं नॉर्मल जो टूल ब्रश होता है उसको लेकर। तो ये ब्रश आप परचेस करो, उसका काम मैं आपको दिखाता हूँ। और भी कोई टूल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रश है काफ़ी एक उम्दा ब्रश है और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इसको हार्ड, बहुत हार्ड ब्रश है ये। यहाँ पर ये काफ़ी हार्ड ब्रश है दोस्तों। इसके जो आपको यहाँ पर जो ये दिखाई देंगे आपको, इसके जो रेशे होंगे वो काफ़ी हार्ड हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा ये ब्रश है। तो ये ब्रश आपको, ये आप परचेस कीजिए इसको। इसके अलावा भी एक आई ब्रश आता है, मैं वो वाला भी आपको दिखाता हूँ। वो आई ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है वो आई ब्रश। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूल है, अगर आपको परचेस करना है तो आप ये नीचे दिए ZX मलिक के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक ये एक्स्ट्रा मैं आपको माइक्रोस्कोप की लाइट बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा माइक्रोस्कोप है और मैंने माइक्रोस्कोप को इस तरह से मूव करके रखा हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एक आईसी निकाली है यहाँ पर, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर एक A10 का सीपीयू निकाला है और अभी मैं इसके सीपीयू को क्लीन करूँगा। और ये इसकी स्टेंसिल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3D स्टेंसिल है यहाँ पर इसके सीपीयू की। और ये देखिए, आपको A10 लिखा होगा यहाँ पर और काफ़ी अच्छी स्टेंसिल है दोस्तों, बहुत हैवी स्टेंसिल है। आप इसको, इसकी क्वालिटी को आप परख नहीं सकते, मतलब जब तक आप इसको हाथ में नहीं लेंगे। काफ़ी हैवी और एक बहुत कमाल की स्टेंसिल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये जो सीपीयू निकाला है, तो अभी इसको रब करने के लिए इसके ऊपर जितने भी जो पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जब हम इसको रब करते हैं तो हमें शोल्डर थोड़े से रह जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, हम ज़्यादातर लोग जब आईसी लगाते हैं तो आईसी लगाने के टाइम पे जो छोटे छोटे से पॉइंट, मतलब छोटे छोटे सोल्डरिंग के जो गोले होते हैं, बॉल्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो उसमें ही लग जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो ये उनको भी निकालता है, बहुत अच्छा है ये, और ये उनको भी निकाल देता है ये ब्रश। और बहुत हद तक ये बहुत कारगर है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को टूल के बारे में नहीं होगा, और जिनको पता है तो ठीक है, और जिनको नहीं पता, मैंने वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है। तो मुझे लगता है इसको बारे में आपको लेना चाहिए। और दोस्तों ये जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये एक एक्स्ट्रा लैम्प है। अब मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप को यहाँ पर आपको अलग से इसको रखा हुआ है। अब जैसे मुझे यहाँ पर सपोज़ ये आईसी को मुझे लगाना है या निकालना है, मुझे माइक्रोस्कोप से काम नहीं लेना है, तो मैं ये लैम्प का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मुझे पूरा फोकस इस पर देना है तो इस तरीके से आप जैसे कि देख रहे होंगे, मैं इसको मूव कर सकता हूँ जहाँ मुझे मूव करना होगा। ये काफ़ी अच्छा लैम्प है। और अगर मान लीजिए मुझे अपना माइक्रोस्कोप यूज़ करना है और जो मेरी माइक्रोस्कोप की जो लाइट है वो मुझे ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लाइक मुझे माइक्रोस्कोप में लाइट मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है और मुझे कम लाइट दिख रही है, तो मैं ये लैम्प का अतिरिक्त माइक्रोस्कोप के साथ में लगाकर इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। तो काफ़ी ये बेटर है, ये माइक्रोस्कोप की लाइट है। आप इसको परचेज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के पास माइक्रोस्कोप होंगे, पर ये हो सकता है कि आपको लाइट का पता ना हो क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो ये आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा है। फिर मैं आपको बहुत सारे टूल्स और जो मोबाइल रिपेयरिंग में जो यूज़ होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और एक नेक्स्ट वीडियो में इस टूल के बारे में दूंगा दोस्तों। ये बहुत शानदार और बहुत उम्दा क्वालिटी का ये टूल है। और काइंडली कंपनी का अगर मैं बात करूँ, एक अभी एक नया मैंने परचेस किया हुआ है, ये देखिए, ये काइंडली कंपनी का एक टूल है। तो ये जो सब ग्लू पेस्टिंग टूल है और मैं आपको इसका एक वीडियो बना के बताऊं। तो दोस्तों मैं इसमें जो ग्लू होता है, ब्लैक ग्लू होता है, पेस्टेड ग्लू होता है, उसको निकाल के आपको दिखाऊंगा। और ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बहुत हैवी है
और यहीं पर एक और क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मुझे पूरे यकीन है इसमें कि ये वाली क्वालिटी वाला ग्रू आपका है। अब इसकी यहाँ पर अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत हार्ड ग्लू में ये चल नहीं पाता है और स्क्रैचेस आ जाते हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप इसको नोटिस कीजिएगा, देखिए ये देखिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस टूल से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन सब टूल का है। तो अब बताइए, पहले के में और आपके में क्या अंतर है आपके? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं, जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल जैसे क्लियर टेक्निकली। सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 5-9 दिनों में आपका 100 डे एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सर, मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी इरर आते हैं एमएमसी में वो सारे ये कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, और आईएसपी पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिस्क के जेटेक और यूएफआई दोनों दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों दोनों को से बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेसेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर, एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे
बाहर लग चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब की सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो फेसबुक भी आया था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, ये जो हम बोल रहे हैं खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, उसके बाद टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission.
9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.